तो कैसे हो आप सब? और आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? टाइम हो रहा है 11:53 और मैं आ रही हूँ मोतीबाग, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ काम है। काम वो मेरा ये है कि मुझे जो मेरा स्टैंप लगवानी है प्रोविजनल सर्टिफिकेट में, ये तो मुझे मार्कशीट में भी अपनी स्टैंप लगवानी है, तो वो काम करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और स्टैम्प लगेगी कि नहीं लगेगी, और मुझे ये भी नहीं पता। वैसे तो खुला रहता है मोतीबाग, पर कोरोना के चक्कर में पता नहीं बंद बंद ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है। पर अभी देखते हैं आगे जाके कि क्या होता है। कुछ काम वगैरह चल रहा है, चलते हैं आगे। कल आपको ले जाना ना, कल वाल में आपको मिल जाएगा ये। इसके जगह मोबाइल नंबर लिख दो, आज जमा हो जाएगा भाई। किताबें इनके वो कहाँ पर है? कहाँ पर है प्रोविजनल? तो अभी आपने जैसे वीडियो में देख ही लिया होगा कि जो मैं वहाँ पे गई हुई थी, तो उन लोगों ने मुझसे बोला है कि कोरोना के चलते हम बच्चों के यहाँ रोक नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लोग आपको कल बताएंगे कॉल करके, और वो लोग कल हमें बताएंगे कॉल करके। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के पार्क में, वहाँ रिलैक्स होकर अच्छे से पूरी की पूरी कहानी बताती हूँ कि क्या हो रहा, और आपने आज से ज़्यादा तो देख ही लिया है वीडियो में। अब वो कल करेंगे, फिर हमें कल दोबारा आना पड़ेगा, फिर इतने दूर आना पड़ेगा दोबारा से। हमें तो चलते हैं इस पार्क के अंदर और दिखाती हूँ आपको। आ जाओ। और यहाँ मुझे क्या काम था मोतीबाग में, मोतीबाग और अभी मैं आ रही हूँ साउथ कैंपस मोतीबाग में जो है। जैसे कि आप जानना चाहते होंगे कि मैं अभी क्या करती हूँ, तो आप क्योंकि मेरी फैमिली हो और मैं आपसे जुड़ चुकी हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन क्लियर की है, और मैं गलती से ये बोलने वाली थी कि मैंने 12th क्लियर की है। अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे स्टैम्प लगानी थी, और अपनी मार्कशीट पे भी स्टैम्प लगवानी थी, इसलिए मैं आ रही थी। और यहाँ पे मैं आई तो काम बन तो जाएगा, पर बात ये हो गई है कि कल का टाइम दे रखा है उन लोगों ने, क्योंकि कोरोना की जो कोरोना जी है उनके कारण हमको बोल दिया है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर रोका नहीं जाएगा ज़्यादा देर के लिए, इसीलिए आप जाइए और हम कल तक आपको ये दे देंगे। और तो मुझे कल फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, तो थोड़ा मुझे लगा कि काम बन तो गया पर बना नहीं ठीक से, और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए तो वो सर्टिफिकेट काम के लिए चाहिए 15 तारीख तक। अभी मैं यहीं के पास के पार्क में आ रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा वीडियो बनाती हूँ अपनी, और फिर आपको दिखाऊँगी। तो और मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो वहाँ पे जाना और मुझे फॉलो करना और देखना मेरी पिक्स आज की, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ये गंजा सा पार्क लगा। हाँ, गंजा क्या होता है? गंजा लग रहा है पार्क, पेड़ होता है, हरियाली होती है, इससे ज़्यादा होता है पार्क में। तो पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ अपनी, फिर आपको एडिट करके दिखाऊंगी। और मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा काम में भी बिज़ी रहती हूँ, और मतलब कि मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, तो फिर मैं आपको बोर नहीं करना चाहती खुद से, इसलिए मैं थोड़ा टाइम पे वीडियो डालती हूँ और मुझसे जुड़े रहें, और ताकि मतलब ये मत सोचना कि इतने लेट वीडियो डाल रही तो हम चल देते हैं। ऐसा मत सोचना, क्योंकि यार ऐसा तो होता ही है ना, बोर नहीं करना चाहती ना, इसीलिए मैं थोड़ा देर से डालती हूँ।
वहाँ नहीं आऊंगी। चल फिर दर्द कहीं बैठ गए। अरे अबे ये क्या है, कीचड़ है यहाँ पे। अबे ये क्या है, अरे घास के लिए करके उधर चुप। अरे ये क्या है, अरे अरे ये तो अभी है। कहाँ बैठे, बता कहाँ बैठे। गुरुद्वारा चले है, चले नहीं तो वहाँ पर वो भंडारा भी होता है। बहन दे आज लहरी सबने बहुत देख रखी है मुझे देख रहे थे। सुन तो चल रही है वहाँ पे मंदिर गुरुद्वारा। नहीं मुझे और खाना है, मुझे भूख लग जाती है जल्दी। प्रसाद मिलेगा, पक्का मिलेगा, नहीं मिला तो बेइज्जती होगी हमारी। अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, तो इस कैमरे को मैं यही स्टॉप कर देती हूँ। स्टॉप कर देती हूँ काम ज़्यादा से ज़्यादा समाप्त कर देती हूँ, क्यों कहती है। और मैं स्टॉप कर देती हूँ इस कैमरे को यहीं से, और अंदर जाके मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। अभी मैंने यहाँ पे मत्था टेक लिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आके, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बज रहा होता है जो शांति देता है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। मुझे वैसे जो सिख की मतलब जो पूजा वगैरह होती है ज़्यादा तरीके से अच्छे से आती नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। मैं सारे भगवानों को मानती हूँ, और यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने थोड़ा मत्था टेका और मुझे अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। यहाँ के बहन कहाँ जा रही है मुझे बता तो देती। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से बाहर, और हमें अरे यार धूप बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे, पैर चल चुके हैं। मैंने रीड नहीं लगाई, पता है आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, ये बात मुझे अच्छे से पता नहीं है। और अब चलते हैं हम लोग घर को, मतलब घर को नहीं, मार्केट जाएंगे कोटला, और वहाँ से थोड़ा सामान वगैरह लेंगे। कैसा लग रहा है अभी तक का आपको मेरा व्लॉग, ये कौन दे, मुझे लग रहा है मास्क लगा लगा खा रहे हैं हमारे ऐसे ऐसे करके हो जा रहे। तो अभी हम लोग हैं लोधी रोड के आसपास, सेवा नगर जो है वहाँ पर है, और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं कोटला के लिए। तो हम रोड क्रॉस करके बस लेंगे। कल नवरात्रि है, और मैं आपको एडवांस में आज ही कह रही हूँ हैप्पी नवरात्रि, कि और ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी तो उसी दिन होगा नवरात्रि, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और अभी हम लोग जा रहे हैं कोटला में, और कोटला में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें नवरात्रि की शॉपिंग करनी है थोड़ी बहुत, जो पूजा की करनी होती है। अब हम यहाँ से पैदल चल रहे हैं क्योंकि हमें बस वाले ने आधे रास्ते में छोड़ दिया है, और हमने रोका भी उनको वहीं था, क्योंकि हमें कोटला के लिए
चेंज करनी थी बस कोटला जो मुबारक पूरे वहाँ के लिए। और अभी हम सेवा नगर के पुल से नीचे को चल रहे हैं, धूप बहुत हो रही है और सर काफ़ी भारी हो चुका है, ज़्यादा धूप हो रही है, काफ़ी गर्मी लग रही है। ये जो 2-3 बजे का टाइम होता है इस टाइम में तो गर्मी में बाहर आना मतलब सर दर्द करवाना अपने, और हम इसी टाइम में बाहर आ रखे हैं, हमें काम ही पड़ा है इस टाइम पे ही। आज जो आज मेरा काम होना था वो एक तरफ से हुआ भी हुआ और नहीं भी हुआ। नहीं ऐसे ही हुआ, हो गया था, कहाँ हुआ, कल फिर हमको आना पड़ेगा। हाँ फिर ये भी सही है, कल एक और व्लॉग देखने को मिलेगा तो आपको फिर एक नया व्लॉग देखने को मिलेगा, क्या पता मैं उस दिन भी बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस दिन का भी व्लॉग बनाऊँ जिस दिन मैं अपने पेपर लेके लेने यहाँ पे वापस आऊँगी उस दिन का। और पानी ख़त्म हो गया है और मुझे प्यास लग रही है। हाँ वहीं से भर लेना चाहिए था हमें, कहीं होगा तो वहाँ से भर लेंगे, और वहीं से भर लेना चाहिए था वैसे हमको पानी। तो अभी मैं निकल रही हूँ घर को और ये और बहुत मुश्किल से हमें ये बस मिली है क्योंकि हमने 8-10 बसें फुल होके चली गई थी क्योंकि इस बस में सिर्फ 17 लोगों को बिठा रहे हैं और इसलिए हमें बैठने में काफ़ी मुश्किल हुई और बड़ी मुश्किल से मुझे ये बस मिली है। और अब मैं जा रही हूँ घर को, घर पहुँच के बात करूँगी, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कल अपने डॉक्यूमेंट्स लेने यहाँ पर आ भी पाऊँगी नहीं पाऊँगी, जो मैंने मार्कशीट दी है उसे मैं लेने वापस आ भी पाऊँगी कल नहीं आ पाऊँगी, और मुझे काम भी 15 तारीख तक का है उसका, मुझे आगे कुछ देना है उनको फिल करना है किसी, और इसलिए तो कल का तो मुझे प्लान कुछ पता नहीं है कल मैं यहाँ आ पाऊँ या ना पाऊँ, और मेरा वर्क भी है फास्ट भी है कल को, तो देखते हैं कल क्या होगा, फिर बताऊँगी आपको, घर जाके बात करेंगे अब हम लोग और मैं प्रेशर से बात करूँगी। काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि थकान हमें घूमने से नहीं, ज़्यादा थकान इस चीज़ से हो गई कि हम बस का वेट करते रहे, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो चुका है, हम घर जाके ही बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो अभी बज चुके हैं 7:30 और अभी तक हम घर नहीं पहुँचे, बहुत ज़्यादा लेट हो गई आज हमें घर, तो इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है आगे जाके इस व्लॉग को कंटिन्यू रखने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।